भगवान, जय हिंद। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए वोकैब बिल्ड करना चाहते हो तो ऑलरेडी हम नॉर्मल लुई का जो रूट वर्ड पे बेस जो सेशन था वो पूरा कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं क्लासेस, एंड आई होप आप उन्हें प्रैक्टिस भी करते होंगे। नॉर्मल लुई बुक के जो एंड में जो अल्फाबेट से जो रिलेटेड वर्ड दिए हुए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो वहां पर भी आपको इन सारे वर्ड्स, आपको ये लगातार ये वर्ड्स मिलते रहेंगे। नाउ इट डिपेंड टोटली ऑन यू कि अगर आप रोज एक टारगेट रखते हो कि एक अल्फाबेट को आप रोज प्रैक्टिस करोगे एक फिक्स टाइम पे, तो धीरे धीरे आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएगी। उसी उसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने ए अल्फाबेट लिए हैं, यहाँ पर हम कई चीजें डिस्कस करेंगे, जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और साथ ही साथ उसके साइनोनिम वर्ड्स कौन से हैं, और हम बीच बीच में ये भी देखेंगे कि उनके एंटोनिम वर्ड भी कौन कौन से हैं। अगर आप राइटिंग या स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर आपके पास बुक है तो आप वहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, और अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप खुद भी इन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऑफ नॉर्मल लुई। पहला वर्ड है हमारे पास अबाश। अब ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये जो वर्ड है ये है हमारा वर्ब, ये वर्ब है वर्ब। और अबाश का मतलब क्या होता है, तो अबाश का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा कर देना। ये पहला वर्ड जो है वो वर्ब है अबाश। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाश, अबाश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, टू मेक अशेम्ड, किसी को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराना। अगर आप शर्मिंदा होना के लिए यूज करना चाहते हो तो टू मेक की जगह टू बिकम का यूज करेंगे, टू बिकम अशेम शर्मिंदा होना, और टू मेक अशेम दैट इज शर्मिंदा करना। अगला वर्ड है हमारे पास अबेट, ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। जैसे सपोज करिए कभी कोई जल गया तो बहुत तेज जलन हो रही है, उस टाइम पे इमीडिएटली क्या करना चाहिए, अप्लाई कोलगेट और एनी टूथपेस्ट, जैसे ही हम वो लगाते हैं तो दर्द थोड़ा सा हमें जो है वो कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं अबेट हो जाना। अबेट हो जाना यानी किसी चीज की इंटेंसिटी कम हो जाना। अबेट का मतलब हुआ टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज की जो तीव्रता होती है। एब्डिकेट, ये भी वर्ब है, वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बहुत मैटर करता है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो। एब्डिकेट का मतलब होता है वर्ब, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पद का या जिम्मेदारी का त्याग करना, दैट इज टू स्टेप डाउन फ्रॉम एनी पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। जैसे हम कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट का त्याग कर दिया था, तो वहां पर हम यूज करेंगे एब्डिकेट, कि गौतम बुद्ध एब्डिकेटेड हिज किंगशिप। एबरेशन ये नाउन है, नाउन। अब यहाँ पर एक चीज जो हम और सीख सकते हैं कि ION जो सफिक्स है हमारा, और अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि सफिक्स क्या होते हैं तो आप पहले वाली क्लासेस आप देख सकते हो, वर्ड का जो एंड पार्ट होता है दैट इज सफिक्स। ION वाले जो वर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन होते हैं। एबरेशन का मतलब होता है नॉट टिपिकल, जो हमेशा होता है वैसा ना होना, दैट इज कॉल्ड एबरेशन, नॉट टिपिकल। कई बार अनयूजुअल सी चीजें हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में अगर बहुत बर्फ गिरने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ये यूजुअल नहीं है, नॉट टिपिकल, वो क्या हो गया, एबरेशन। एबहर ये वर्ब है और इसका मतलब होता है घोर घृणा करना। देखिए जब हम किसी से थोड़ी बहुत नफरत करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं डिसलाइक या हेट। लेकिन अगर आप किसी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, ये मन करता हो उसे बोरे में डाल के पीटें, तो आप यूज करेंगे एबहर, दैट इज डिटेस्ट करना, लोध। ये सारे वर्ड जो है वो धीरे धीरे
स्ट्रॉन्ग होते चले गए हैं। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दयनीय, मिजरेबल। हालांकि ये वर्ड ज्यादातर जब हम कॉलोकेशन में बात करते हैं तो ये वर्ड यूज होता है पॉवर्टी के लिए। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब हुआ बहुत ही दयनीय गरीबी। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट इज होपलेस, होपलेस और मिजरेबल, मिजरेबल। पहले हम जरा ये सारे वर्ड एक बार रिवाइज कर लें। अबैश इज अ वर्ब, इसका मतलब हुआ टू मेक अशेम। अबेट वर्ब है, इंटेंसिटी कम करना। एबडिकेट वर्ब है, इसका मतलब होता है त्याग करना, लेकिन त्याग किस चीज का करना, अपनी जिम्मेदारियों का या पद का त्याग करना। एबरेशन नॉट यूजुअल या नॉट टिपिकल, हमेशा से हटकर। एबह घोर घृणा, नॉट थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा घृणा करना। और एब्जेक्ट इज होपलेस, होपलेस या इसे हम कह सकते हैं मिजरेबल। अगला वर्ड है हमारे पास एबनिगेट, एबनिगेट। निगेट का मतलब होता है ना कहना। एबनिगेट ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है टू से नो, टू से नो टू सेल्फ, खुद को ना कहना। नो टू सेल्फ, अपने अगर आप मन कर रहा हो कि भाई आज नहीं उठना है जल्दी, तो खुद को अगर आप कह रहे हो नहीं उठो तो उसे हम कहेंगे एबनिगेट। या कुछ खाने का मन कर रहा है बट आप कह रहे हैं नहीं खाना है, तो दैट इज कॉल्ड एबनिगेट। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस। अगर कोई भी चीज असफल है, फ्रूटलेस या अनसक्सेसफुल, तो उसे हम कहते हैं अबॉर्टिव, अबॉर्टिव। अब्रिज, अब्रिज ये वर्ब है और इसका मतलब होता है शॉर्टन, किसी चीज को छोटा करना। लेकिन यहाँ पर फिर एक कॉलोकेशन आता है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है जब हम शब्दों को कम करते हैं। जब हम वर्ड्स के लिए, मान लीजिए आपने कोई ऐसे लिखा और आपने बहुत सारे वर्ड्स में लिखा और टीचर ने अगर आपसे कहा कि अपने ऐसे को अब्रिज करो, तो इसका मतलब वर्ड्स थोड़े कम करो, दैट इज कॉल्ड अब्रिज। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है टोटल, टोटल यानी कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से। और एब्जॉल्व ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को किसी दोष से या सजा से मुक्त कर देना, अक्विट, अक्विट कर देना, दैट इज अब्सॉल्व। एक बार हम रिवाइज करें, एब्निगेट वर्ब है, इसका मतलब होता है खुद को ना कहना, और ये अगर आप ए बी हटा देंगे तो इसका मतलब होगा ना कहना। खुद को ना कहने के लिए ए बी हम ऐड कर देते हैं, दैट इज एब्निगेट। अबॉर्टिव इज एडजेक्टिव, दैट इज फ्रूटलेस या अनसक्सेसफुल। अब्रिज वर्ब है शॉर्टन, किसी चीज शब्दों को कम करना। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, दैट इज टोटल। और एब्सॉल्व इज अ वर्ब, दैट इज अक्विट। ये जो है हमारा, जब ए से स्टार्ट होगा, अगर आपके पास बुक है तो आप देखेंगे तो ए वाले सेशन में ये सारे पहला फर्स्ट यही वर्ड्स हैं। आप बुक में इसके साथ एक क्विज दिया हुआ है, आप वो क्विज सॉल्व करिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इस क्विज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम रोज एक अल्फाबेट लेकर प्रैक्टिस करें, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आज अगर ये वर्ड सीख रहे हैं तो इसको दो चार बार दिन में रिवाइज जरूर करिए, तभी ये वर्ड्स आपको लर्न होंगे और फिर ये सस्टेन करेंगे, हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू जर्नी ऑफ बिल्डिंग वोकैब। थैंक यू, जय हिंद।